लोगों ने 1.2 का इंट्रो पार्ट में मतलब वो था ना कि रैशनल नंबर आया कहाँ से, वो सारा पढ़ लिया था। रैशनल नंबर की कैसे खोज हुई जिसके चक्कर में एक आदमी मारा गया हिप्पोकस, वो सारी स्टोरी हमने पढ़ ली। अब प्रॉब्लम यह आ रही कि अगर रैशनल नंबर कोई है तो इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनके दो मेथड होते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के, एक पहले बेसिक वाला पढ़ेंगे फिर एक दूसरा भी हम लोग पढ़ेंगे 1.4 में जाके। तो चलिए कह रहे हैं लोकेट करो रूट टू को ऑन द नंबर लाइन। अब रूट के अंदर अगर ये नंबर है टू तो इरेशनल नंबर है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है किसी को नहीं पता है। तो नंबर लाइन पे भी जो आंसर आएगा ना वो अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट कोई लोकेशन बता ही नहीं सकता। क्यों? जिसकी हमको वैल्यू ही नहीं पता है तो उसको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, वहाँ अप्रॉक्स में आ जाएगा। जैसे रूट टू का अगर आप आंसर निकालोगे तो 1.4142 डॉट डॉट एकदम चलता रहेगा ये। तो अब जब कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी तो उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके जो भी आंसर आते हैं वो अप्रॉक्स में आते हैं, कभी सही नहीं आंसर आपस आ सकते। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। तो रूट जैसे ही हमने देखा तो हमको एक मैथमेटिशियन का नाम आता है जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस के कारण ही वही सब आपको पता है रूट वाला कंसेप्ट आ जाता है ना। लेकिन पाइथागोरस से भी 1000 साल पहले एक बहुत बड़े भारत के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बोधायन। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर स्टडी की थी। लेकिन नाम इनका ज़्यादा हो रहा है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बोधायन वर्सेस पाइथागोरस, वो अलग उनका इतिहास है एकदम। तो इसकी एक मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, रूट के अंदर कोई भी नंबर है कैसे उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो कैसे भी। और ये मेथड जिन्होंने बताया था उनका जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था डेडेकाइंड, एक का नाम था कैंटर, ये दो मैथमेटिशियन थे। और कैंटर ने आगे भी जाके बहुत स्टडी की थी। 11th क्लास में आप पढ़ेंगे एक टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे भी इन्होंने हाथ अजमाए थे अपने। तो चलिए पहले मैं रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दूँ। मैं एकदम देसी तरीके से इसको बताऊँगा। कोई से भी ऐसे दो नंबर बताओ, कोई से भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो टू आ जाए। रूट नहीं, रूट को मारो गोली, केवल टू, जो अंदर क्या है टू। तो किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करें, हमेशा ऐड, और आंसर कितना आ जाए टू आ जाए। तो हर कोई बच्चा बोलेगा सर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, बट वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एक बच्चा दिमाग लगाएगा कि सर क्या हम यहाँ पे जीरो का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या है, टू था ना। तो कोई से भी ऐसे दो नंबर खुद से बताओ कि जिनको स्क्वायर करके ऐड करें वही नंबर आ जाए। क्या बात समझ आई? अब सर ऐसा मैंने क्यों किया, अब समझना जरा ध्यान से, इसको आपको समझना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हल्का फुल्का जरा मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। ये ट्रायंगल है ABC और ये एंगल क्या है राइट एंगल, राइट एंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या होता है, BC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, इसका स्क्वायर AC² + AB² के क्या होता है जी बराबर होता है। ये हमारी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बात समझना, मैं आपसे कह रहा हूँ ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो आप बताओ BC क्या होगी। तो देखो BC का स्क्वायर बराबर AC कितनी है जी 1 का स्क्वायर, AB कितनी है जी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, और स्क्वायर जब भी हटता है तो क्या होता है रूट लगता है उधर जाके। तो क्या ये रूट टू निकल गया प्लस माइनस, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो क्या BC की वैल्यू रूट टू आ गई, क्या ये लेंथ हमारी रूट टू नहीं हो गई। तो इसलिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम वाले ही कंसेप्ट से हम लोग करेंगे। तो कभी कोई आपसे पूछे कि रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो या रूट फाइव को अभी आगे करेंगे, तो ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करें और जो इसके अंदर लिखा है वो आ जाए। तो क्या ये बात समझ आई आपको, क्लियर है? चलिए अब देखो हम लोग कैसे करते हैं। अब आपको अपने कॉपी पर एक नंबर लाइन बना लेनी है आपको। सपोज आपने ये भाई नंबर लाइन बना ली है, ठीक है, मैंने छोटी लिया, आप ज़्यादा टेढ़ी हो गई, चलो छोड़ो। ये हमारी हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये 0 है और हमने ये 1 लिया और ये हमने इधर जाके 2 ले लिया और इधर हमने ये माइनस पर, ऐसी चलती आएगी। चलिए अब देखना भैया, अब हमको रूट टू दिखाना है नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या है 1। तो जब हम कभी भी नंबर लाइन पे जाते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम 0 पे हम भैया खड़े हुए, 0 पे हमें। अब पहला नंबर क्या है 1, तो 0 से जाओ 1 पे, 0 से जाओ 1 पे। अब हम 1 के पास आ गए, ठीक है, स्क्वायर को मत छोड़, स्क्वायर को मतलब भूल जाओ। अगला नंबर क्या है 1,
जैसे ही दूसरे नंबर पे आए हैं, फिर हम दूसरे नंबर पे जाते हैं तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पूछो 90 का ही क्यों? क्योंकि पाइथागोरस में क्या होता है, 90 का ही तो होता है। समझो ये वन था, वन के पास पहुंच गए, अगले वन के पास जाने के लिए जहां पर रुके तो उसी पे कितने का एंगल बना दो, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का हम लोग क्या बनाएंगे जी, एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो चलिए आ जाइए, तो ये तो अब हमने बना दिया इस पर 90 डिग्री का एंगल। चलिए ये हमने बना दिया 90 के एंगल, क्लियर है जी। चलो जी, वन था, वन ले लिया, अगले वन पे जाने के लिए सबसे पहले एंगल कितना हो रहा, 90, इस पर क्या वन। अब हम यहाँ से कितना जाएंगे, वन, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे, क्लियर है। कैसे करेंगे, स्केल से नाप लो, आपके पास स्केल होगी ना, आपके पास स्केल है, स्केल से नाप लेना। मैंने देखा लगभग ये कितना बैठ रहा है, 5 इधर, मैंने लगभग ये ठीक, ये मैंने टिक लगा दिया, क्लियर है। समझो फिर से कनक, देखते हैं एक बार। ये डिस्टेंस वन क्यों लिया भैया, यहाँ पे वन था, जैसे ही अगले वन पे गए तुरंत 90 का एंगल बनाया, अगला नंबर क्या है वन, तो वही वन डिस्टेंस हमने ले लिया। तो क्या ये डिस्टेंस वन है और ये डिस्टेंस क्या है वन और ये एंगल क्या है 90। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये ओ है और इसका नाम ए दिया और इसका नाम बी दिया, ओ से बी को मिलाओ, ओ से बी को मिला दिया आपने, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यस और नो। ये वन है, ये वन है, तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से रूट टू आ रहा होगा, देखो इस तरीके से, यस और नो, आ गया ना रूट टू, क्योंकि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ऐड करेंगे टू, और स्क्वायर जब हटेगा तो ओ बी डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, रूट टू। लेकिन ये लाइन क्या थी, नंबर लाइन, ये लाइन क्या थी, नंबर लाइन। हमसे बोला गया था कि रूट टू को दिखाना किस पे, नंबर लाइन पे, हमने दिखा दिया रूट टू हवा में इस तरीके से। अब इसको नंबर लाइन में हम कैसे दिखाते हैं, तो देखिए किसी के पास रबड़ है क्या, इरेजर, इरेजर दो जरा, क्योंकि ये मूव करेगा, हटेगा यहाँ से, ये दिखाओ जरा, किसी के पास भी नहीं है, सारे गरीब हमारे पास ही आ गए, लाई नहीं है, हाँ ये रही लाओ, ठीक है। तो अब देखो, अब एक बात समझो, अगर ये डिस्टेंस ओ से लेके ए बी का डिस्टेंस कितना है जी, रूट टू, तो ओ सेंटर लिया यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये स्लिप करता है इसलिए मुझे इरेजर रखना पड़ता है, ये डिस्टेंस कितना जी, रूट टू है ना, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी रूट टू, जहाँ तक ये पूरा घूमेगा ये डिस्टेंस कितना रहेगा, रूट टू, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, अगर ये सर्कल की रेडियस रूट टू है तो ये भी रूट टू, ये भी रूट टू, हर तरफ क्या होगा, रूट टू, क्या चमका, यस और नो। तो हमसे बोला था नंबर लाइन पर प्रेजेंट करो, तो इसने यहाँ पर कट किया नंबर, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाने के लिए बना दिया था, पर यहाँ पर कट किया, इसका नाम मैंने दिया सी, तो ओ से लेके सी तक का ये डिस्टेंस क्या हो गया, रूट टू नंबर लाइन पे, ये हुआ नंबर लाइन पे पूरा, क्योंकि हमने जो रूट टू दिखाया था वो तो यार हमने इस तरफ दिखा दिया था, यस और नो, दिखाना किस पे था, नंबर लाइन पे, तो ओ को सेंटर लेके मैंने इस तरीके से आर्क लगाया, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, रूट टू, तो ये भी क्या होगा, रूट टू होगा, क्लियर है। प्रिंस तिवारी कोई डाउट हो तो बताओ यार, हाँ पक्की बात है। चलिए अब ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वो कि रूट थ्री को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो समझना रूट के अंदर क्या है, थ्री, तो अब थ्री को लिखो, कोई से भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके ऐड करें आंसर थ्री आ जाए। अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूजन दूर करो, रूट पे अगर कभी भी स्क्वायर होता, अगर कोई आपसे पूछे रूट टू का स्क्वायर क्या होगा जी, टू, हम लोग क्लास एट्थ में पढ़ के आए हैं, अगर कोई आपसे पूछे रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्लियर है। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे रूट नाइन का स्क्वायर क्या होगा जी, नाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करो और थ्री आ जाए, तो देखना भैया रूट टू का स्क्वायर कितना हुआ, टू, और वन का स्क्वायर कितना हुआ, वन, इन दोनों ऐड करो क्या थ्री आ रहा है, समझो, रूट टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर ऐड करो आ गया थ्री, बस बहुत बढ़िया। अब देखना ये थोड़ा अच्छा है, समझेंगे इसको। चलिए तो सबसे पहले क्या है, रूट टू, तो सबसे पहले आपको रूट टू बनाना पड़ेगा, तो रूट टू हमने पहले से ही बना लिया है। अगर बोर्ड में कभी भी डायरेक्ट पूछे रूट थ्री बनाओ, तो पहले रूट टू बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है भैया। तो रूट टू ये रहा हमारा, फिर अगला नंबर क्या है, वन। तो मैंने आपसे बोला था जैसे ही दूसरे नंबर पे जाएंगे तो एंगल कितने का बनाना पड़ेगा, 90 का। क्या बात समझ आई, इसको समझना अच्छे से, समझो क्या, पहले रूट टू है, रूट टू बना लिया,
अगला क्या वन, जैसे ही इस पे जाएंगे तो रूट टू पे हम यहाँ पर खड़े थे, पहले इस पे बनाओ 90 का एंगल। तो चलिए 90 का एंगल बनाते हैं इस पे, ये इस तरीके से, और ये तो ये हमने बना दिया जी 90 का। गॉट इट, क्या बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब हमने 90 का एंगल, अगला नंबर क्या वन, तो वन डिस्टेंस तो यही है ना, तो ये डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे, तो मैंने अनुमान से, आप तो स्केल से गणना, मैंने ऐसे नापा ये और उठा के ये रखा, तो यहाँ पे ये तो ए बी सी डी ई, इसका नाम क्या दिया ही? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया जी, वन हो गया, ये डिस्टेंस रूट टू है और ये डिस्टेंस क्या हो गया, वन हो गया। तो चलिए अब मैंने क्या किया, ओ से इसको मिलाया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके ई तक कितना निकल के आ गया, रूट थ्री, कितना निकल के आ गया जी, रूट थ्री, लेकिन दिखाना किस पे था, नंबर लाइन पे, किस पे दिखाना था, नंबर लाइन पे, तो बस वही हमने क्या किया, इसको सेंटर माना, ओ को ही सेंटर मानेंगे, और ओ को सेंटर लिया आपने, और ये डिस्टेंस था हमारा रूट थ्री, लेकिन हमको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो ये तो इस तरीके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया जी, रूट थ्री, तब जाके आपको पूरे चार नंबर मिल जाएंगे। बट आप डाउट बताइए, देखो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली और रूट थ्री क्या, यहाँ से यहाँ ओ से ही सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, क्लियर है, कोई डाउट, इसको देखो और एक बार बनाओ, और एक बार नहीं कम से दो से तीन बार बनाओ, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, क्योंकि एक तो नाइन्थ का फोबिया आ जाता है यार, मैथ टफ है, कुछ नहीं है यार, लुल नहीं, तो एकदम आप समझो, आप कंसेप्ट बताओ, आप अपने डाउट पूछो कि सर ये डाउट हुआ मुझे, डरो मत इससे, डाउट बताओ कि सर, जब तक डाउट नहीं पूछोगे तो दिक्कत होगी, क्या मैं समझा पाया थोड़ा बहुत, एक दो और क्वेश्चन करेंगे ना अच्छे समझ आ जाएगा, लिखो इसको, तो एग्जाम्पल ख़त्म हमारे नंबर लाइन पे। अच्छा यार एक बात बताओ, कोई अगर आपसे ये पूछे नंबर लाइन क्या होता है, तो आप बोलो क्या आंसर क्या होगा आपका, कि नंबर लाइन क्या होता है बताओ, नंबर लाइन क्या होता है, डिफाइन करो नंबर लाइन को, जिस पर नंबर लिखे हो, एक लाइन है सर जिसके ऊपर नंबर लिखे हो, नंबर लाइन, सर एक लाइन है जिसके ऊपर अल्फाबेट लिखे, अल्फाबेट लाइन है, जितने भी रियल नंबर हैं दुनिया में उन सब को हम जिस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, इट इज कॉल्ड अ नंबर लाइन, क्यों, नंबर तो रैशनल भी होता है, नंबर इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं, को प्राइम भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, तो सारों के लिए नहीं, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है जी, रियल नंबर। तो जितने जैसे अब 1.4142 रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, माइनस में भी, तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर मौजूद हों, उसको हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है सर। तो ये कह रहे हैं रूट फाइव को रिप्रेजेंट करो, कई देसी तरीके से आपको बताया था, तो दोबारा से लास्ट क्वेश्चन है, रिवाइज करते हैं, रूट फाइव है, रूट फाइव को मारो गोली, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करें और फाइव आ जाए, बताओ, कोई भी दो नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करें और फाइव आ जाए, और ऐड कर दें उनको और फाइव आ जाए, करें वीडियो पॉज करके बैठे आराम से, थोड़ा सा लॉजिकल है, फोनो फ्रेंड कर सकते हैं, 50-50 ले यार, ब्रांडेड ही आदमी हो तुम यार, हट, हाँ यस, इसे कहते हैं रटा हुआ, टू का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, वेरी गुड, टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर, बार ऐड किया फाइव आ गया, तो हमको यही चाहिए था सर, ऐसा क्यों किया आपने कि स्क्वायर को ऐड क्यों किया, क्योंकि पाइथागोरस यही होता है सर, आपने माइनस वाला कंसेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि पाइथागोरस माइनस नहीं होता था भैया, पर पेंडिकुलर का होल इसका, ऐसा इंट्रो पार्ट में मैंने सारा बता दिया, तो ज़्यादा डीप में नहीं, अपना समझो बस। चलिए जी अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमने एक नंबर लाइन बना ली, सारे बच्चे देखेंगे, प्लीज़ कोई बच्चा बात नहीं करेगा यार, अब आप लोग इरेजर तैयार रखिए, इरेजर, ये रही हमारी एक नंबर लाइन, तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट लिए, ये ज़ीरो और ये वन और ये टू, माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने माइनस में नहीं लिया, ठीक है जी। चलिए जी अब देखो बड़ा ही सिंपल है,
मतलब सिंपल क्या है, ये बच्चों को समझाने के लिए ऐसा टीचर बताते हैं, इधर टूल है ना, तो जब कभी आप नंबर लाइन पे जाते हैं तो आप लेट कर लो कि हम जीरो पर खड़े हैं। किस पे खड़े हैं जी? जीरो पर। अब पहला नंबर क्या है? टू। स्क्वायर को मारो गोली, पहला क्या है? टू। तो तुरंत जाओ जीरो से टू के पास, आगे टू पे। अब हम कहाँ पे खड़े हो गए? आगे टू पर खड़े हो गए, ठीक है। अब अगला नंबर क्या? वन। जैसे ही एक नंबर से दूसरे नंबर पर जब हम जाते हैं, तुरंत जिस पॉइंट पर खड़े उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलो जी 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो हमारे पास डी है, हम ये लेके आए और हमने क्या किया, 90 डिग्री का ये एंगल बना दिया। क्या बात आई समझ में? 90 डिग्री का मैंने क्या किया जी? कोई दिक्कत? चलो फिर से आते हैं। जीरो पे हम खड़े हुए थे, टू बोला था, टू के पास आ गए, जैसे टू से वन पे गए तो जहां खड़े थे उस पर 90 का एंगल बनाया। और अगला नंबर क्या? वन। तो वन डिस्टेंस यही तो है, तो इतना डिस्टेंस स्केल से नाप के आप कर देना, मैं तो ऐसे ही अनुमान से कर दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना हो गया? वन। और ये डिस्टेंस कितना है जी यहाँ से लेके यहाँ तक? टू। क्लियर है? यस और नो? और ये एंगल कितना है डियर? 90। चलो जी अब कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट को मिला देना। किसको? जहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जिसको हम लोग फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, इनिशियल पॉइंट ये ना फाइनल रहता है, इनसे इनको मिलाओ। और चलो ये हमने मिला दिया, ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम दिया मैंने ए मान लो, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। अगर मैं यार आपसे पूछे एसी क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एसी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एसी का स्क्वायर 90 के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। एसी का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ गया। ये एसी स्क्वायर की वैल्यू थी, एसी की वैल्यू क्या होगी? रूट 5। तो आ गया ना रूट 5। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया जी? रूट 5। गॉट इट? लेकिन रूट 5 दिखाना था नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तो ये है, रूट 5 किस पे दिखाना था? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन तो यहाँ, हमने इसको दिखा दिया हवा में, अब इसको नीचे लाएंगे जमीन पर। तो रबर दो जरा, वेरी गुड। अब देखो कंपास उठाइए और चुबा दो किसी के, ये सेट कर लो मतलब इसे कंपास को। चलो जी अब देखिए, अब देखो ये मैं रबड़ का यूँ इसलिए करता हूँ, ऐसा नहीं कि तुम भी लेके जाओ वहाँ पे, हम तो इसलिए करते क्योंकि ये ना बहुत स्लिपरी है, अगर मैं इसे इस पर रखूँगा हट जाएगा, तो मैंने ये ऐसे ये फंसा दिया। अब ये है डिस्टेंस कितना जी? रूट 5। अब इसको ऐसे करो, ये कितना मज़ा आता है इसका ये, तो ये जहाँ तक ये जाएगा, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा क्या होगा जी डिस्टेंस? रूट 5 ही तो होगा, बताओ ना। ये नहीं आया समझ? नहीं आया? देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मैंने सेंटर माना था और इसको मैंने रेडियस मान लिया रूट 5, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जी? रूट 5। ये कितना होगा जी? रूट 5। ये कितना होगा जी? रूट 5। ये रूट 5, तो ये भी तो रूट 5 होगा। ये किस पे? नंबर लाइन पे। तो बस यही हमको दिखाना था इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना हो गया जी? रूट 5। बस ख़त्म।